Hello everyone, this is me, Amanpreet, co-founder of Amrit Palo Vision. Today we are interviewing our student who got his visa for Germany. He is going for University of Applied Sciences Hof in the program Operational Excellence. मैंने 2014 में डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है. बाद में मैंने 2017 में डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया. बाद में मेरा 2.5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है. सो क्यों आप प्लान किया है जर्मनी जाने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल whenever I studying in the mechanical engineering, उस समय से मुझे थोड़ा पता था कि premiums company like Bosch, BMW, Porsche, वो सब जर्मनी के अंदर है. इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइड का बहुत ही कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा था, तो मैंने ये कोर्स सिलेक्शन किया. So how was your overall experience with Amritpal? कैसे आपको हमारे कॉन्टैक्ट में आए? मैंने वैसे तो गुजरात में जर्मनी के लिए बहुत सर्च किया था, पर मुझे कोई ऐसे कंसल्टेंट मिले नहीं. अमृत सर का पूरा प्रोफाइल देखा कि वो वहाँ से पढ़ के आए और अभी ये यहाँ से स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं. Hello everyone, this is me, Amanpreet, co-founder of Amrit Palo Vision. Today we are interviewing our student who got his visa for Germany and he is going for University of Applied Sciences Hof in the program Operational Excellence. So let us ask about his experience of applying into German universities and the embassies. So first of all, congratulations, Thank Deep. Thank you, ma'am. सो दीप, बताइए कि एग्जैक्टली आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है क्या, सो हमारे व्यूअर्स जो हैं वो आप अपनी प्रोफाइल के साथ में कनेक्ट कर पाएँ. हाँ, मैंने 2014 में डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है. बाद में मैंने 2017 में डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया. बाद में मेरा 2.5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है और मैंने अभी A1 भी कंप्लीट किया है और मैंने IELTS भी फिनिश किया है. राइट. सो क्यों आप प्लान किया है जर्मनी जाने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल whenever I studying in the mechanical engineering, उस समय से मुझे थोड़ा पता था कि premiums company like Bosch, BMW, Porsche, वो सब जर्मनी के अंदर है और हमारे एक relatives भी वहाँ पे masters कर रहे थे, तो उनके साथ भी बातचीत हुई, तो वहाँ से भी मुझे पता लगा चला कि जर्मनी का quality of education कैसा है, वहाँ पे का जो education system, वहाँ का practical knowledge system, वो सब बहुत ही बेहतरीन है, उसी वजह से मैंने जर्मनी सेलेक्ट किया. ओके, सो जब हमने प्रोग्राम्स के लिए सर्च किए, राइट, सो एक ऐसा प्रोग्राम हमारे सामने आया दैट इज MBA इन इंजीनियरिंग. सो क्या थॉट था कि आपने ये वाला प्रोग्राम क्यों चूज किया? डेफिनेटली हमने तो सजेस्ट किया था, बट फिर जब आपने खुद सर्च किया वो प्रोग्राम के बारे में कोर्स कंटेंट में, सो व्हाट यू फाउंड द बेस्ट? मेरा इंडस्ट्री में 2.5 साल का एक्सपीरियंस है, तो अभी मैं डायरेक्टली कोर फील्ड के वजह मेरा भी इंटरेस्ट था कि मैं थोड़ा मैनेजमेंट साइड में कोई कोर्स सिलेक्शन करूं, पर मुझे प्योरली सिर्फ मैनेजमेंट में भी नहीं जाना था, तो अमनप्रीत मैम ने मुझे सजेस्ट किया था कि ऑपरेशन एक्सेलेंस कोर्स है हॉफ यूनिवर्सिटी में, आप वो देखिए आपको कैसा लग रहा है. फिर मैंने उसका पूरा कोर्स क्यूरिकुलम देखा, वो कोर्स क्यूरिकुलम बहुत ही बढ़िया था. उसमें 1 साल का थियोरेटिकल एक्सपीरियंस लेना है और बाद में 1 साल प्रैक्टिकल इन द इंडस्ट्री इंटर्नशिप करना है, तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा था. और ये कोर्स में MBA प्लस मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग बोथ डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं और दोनों सब्जेक्ट्स, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी पढ़ूंगा और इकोनॉमिकल रिसर्च भी मैं पढ़ूंगा, जर्मन इकोनॉमिकल सिस्टम भी मैं पढ़ूंगा और साथ में मैं नाउडेज जो करंट टेक्नोलॉजी है IoT वो भी मैं पढ़ूंगा, तो ये दोनों इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइड का बहुत ही कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा था, तो मैंने ये कोर्स सिलेक्शन किया. राइट, सो नाउ यू ऑलरेडी नो जर्मन लैंग्वेज, आपके पास अभी जर्मन लैंग्वेज A1 का है, राइट, सो व्हाट डू यू थिंक अभी ये चीज़ आपको कितनी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, और A1 के बाद आपको क्या लग रहा है कि अभी आपको कितना ज़्यादा मतलब समझ आ रहा है या क्या एग्जैक्टली आपके एक्सपेक्टेशन है? A1 मैंने यहाँ से ही अमृत पाल विजन की फैकल्टी है नीरज श्रियाल मैम, उनके वहाँ से ही कंप्लीट किया था. नीरज श्रियाल मैम बहुत ही बढ़िया पढ़ाया है और उनके हिसाब से मेरे अच्छे ग्रेड्स भी आए हैं. अभी जनरल जब मैंने जर्मन A1 क्लियर किया तो अभी मैं बेसिक सीख रहा हूँ, साथ ही में मेरे कोर्स का भी यही रिक्वायरमेंट है कि मुझे A2 और B1 तक मिनिमम कंप्लीट करना है जब तक मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हो. तो और वैसे भी जर्मनी के अंदर अगर आपको जर्मन लैंग्वेज अच्छी आती हो तो वो भी एक बेनिफिट्स रहता है ऑलवेज फॉर द जॉब रिक्वायरमेंट्स.
सो अभी वहाँ जाके मुझे A2 और B1 करना है. राइट, सो हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस विद अमृतपाल? कैसे आपको हमारे कॉन्टैक्ट में आए एंड कितने जल्दी आपका प्रोसेस फिनिश हो गया? मैंने वैसे तो गुजरात में जर्मनी के लिए बहुत सर्च किया था, पर मुझे कोई ऐसे कंसल्टेंट मिले नहीं. सब ने मुझे बोला कि आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ही मिलेगा. उस टाइम मैंने गूगल पे जस्ट सर्च किया था और अमृतपाल ओविजन आया. मैंने उनकी पूरी वेबसाइट गो थ्रू की. उस वेबसाइट में मैंने देखा कि अमृतसर का पूरा प्रोफाइल देखा कि वो वहाँ से पढ़ के आए और अभी ये यहाँ से स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं. तो ये मेरे लिए पहली बार मैंने देखा कि कोई कंसल्टेंट जो पढ़ के आया है और यहाँ पे बच्चों को गाइड कर रहा है, तो मैं उनके पर ट्रस्ट कर सकता हूँ. और जब मैं पहली बार मिलने आया उसी दिन मैं अमृतसर को भी मिला था और अमनप्रीत मैम को भी मिला था. तभी मैंने जब बात की उनसे कि मेरा पूरा प्रोफाइल बताया, तभी अमनप्रीत मैम के साथ बातचीत हुई, तभी मुझे ट्रस्ट आ गया था कि नहीं, दे हैव द लाइक 100% प्योरिटी एंड 100% ट्रांसपेरेंट प्रोसेस. क्योंकि मैंने उनके स्टूडेंट्स के रिव्यू भी देखे थे और मैंने यहाँ के उनके बातचीत की, फिर भी मुझे तभी भी मुझे पता चला कि नहीं, ये लोगों को पूरा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस करते हैं. और वेरी स्पीडली मैंने मैम को बहुत ही परेशान किया. नहीं 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 कुछ भी नहीं. मैंने मतलब रात को 11 बजे भी कॉल किया और सुबह 6:30 बजे भी कॉल किया है, फिर भी मैम ने मुझे लाइक हर टाइम पे वेरी कामली एंड वेरी सपोर्टिवली आंसर दिया है. सो आपको अमृतपाल विजन से क्या सर्विसेज मिली है जो स्टूडेंट्स को एक्चुअली मिलनी चाहिए, और क्या ऐसा कुछ था जो आपको नहीं प्रोवाइड हुआ, ऐसा कुछ लग रहा है या वॉट एवर? पहले तो मैं बोलूँगा कि वी कैन ट्रस्ट ब्लाइंडली. उनके पर जो बोले वो उन पर ट्रस्ट आप कर सकते हो, क्योंकि पूरी प्रोसेस में वो लोग इतने ट्रांसपेरेंट है कि आई थिंक कोई इंडिया में ऐसा कंसल्टेंट नहीं होगा जो इतना ट्रांसपेरेंट होगा. क्योंकि आप जब भी उनके साथ फ़ोन पे बात करो, वो जो आपकी सिचुएशंस होगी वो समझ सकते हैं, उस हिसाब से आपको गाइड कर सकते हैं. आईलेट्स और जर्मन लेवल A1 के लिए भी मैम ने मुझे गाइड किया था. फैकल्टी नियरचियल मैम जर्मन में A1 के लिए थे और मधुरिमा मैम आईलेट्स के लिए थी. दोनों में मुझे बहुत ही कोऑपरेटिव सपोर्ट मिला. फिर स्टेप बाय स्टेप जो मेरे डॉक्यूमेंट थे, जैसे कि इसमें मेरा वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चाहिए थे, तो ऑल द सर्टिफिकेशंस कैसे गैदर करना है, कैसे मींस हमारे लैंग्वेज सर्टिफिकेट चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंटेशंस चाहिए, वो सब वो लोग प्रोवाइड कर रहे थे, पूरी चेकलिस्ट दे रहे थे. वीज़ा प्रोसेस में भी शाम के 7 बजे तक यहाँ पे थे वो, और मुझे मेरी टिकट भी उन्होंने बुक करवाई है. तो बिकॉज हमें सडनली डेट्स मिल गया था नेक्स्ट डे का, सो वी थॉट कि मिस नहीं करना है कुछ भी, बिकॉज उनके पास फंडिंग्स ऑलरेडी रेडी थे. सो एक ही दिन में सारा कुछ प्रिपरेशन कर दिया, ब्लॉक अकाउंट ट्रांसफ़र हो गया, एवरीथिंग वॉज डन, एंड नेक्स्ट डे का जो डेट था वो हमने फाइनल रीच कर लिया. बिकॉज अगर अभी आज का सिचुएशन देखें तो स्टूडेंट्स आर गेटिंग नॉट गेटिंग एक्चुअली डेट्स, एंड दे आर गेटिंग द डेट्स ऑफ अक्टूबर या मिड सेप्टेम्बर और एंड वीक of September, which is very very delay for their process. So our timeline was very quick and everything was finished in a day for him. Right. Okay, so कुछ आपको content देना है students के लिए जो Germany plan कर रहे हैं, so क्या tips देना चाहते हैं आप students के लिए? Germany के लिए मैं सबसे पहले बोलूँगा कि आप अगर आपको जो भी course करना है तो पहले आप DART की website search कीजिए, उसके अंदर आपको करिकुलम देखिए, आपको जो अच्छा लगता है वो पहले आप अपनी तरफ से भी सिलेक्शन कर सकते हैं. बाद में आप अमनप्रीत मैम में अमृतपाल सर से कंसर्न कीजिए, वो आपको गाइड करेंगे कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ और वो सब कोर्स रिक्वायरमेंट कौन सी है, कोर्स में कैसे चांसेस है, फ्यूचर क्या है, वो सब भी बताएंगे. इवन उस कोर्स में अगर आपके कोई सीनियर स्टूडेंट भी पढ़ रहे होंगे तो उनके साथ भी कॉन्टेक्ट करवाएंगे. मेरा भी कॉन्टेक्ट करवाया था उन्होंने और मैंने भी उनको पूछा था, बहुत ही ट्रांसपेरेंटली सब प्रोसेस है. तो पहले आप डार्ट की वेबसाइट पर सर्च कीजिए, बाद में मैम से और सर से बात कीजिए और वो लोग 100% सपोर्ट करें. डन, थैंक यू सो मच. थैंक यू दीप सो मच. हेलो, माय नेम इज़ दीप जानी. मैंने अपना पूरा जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा का प्रोसेस अमृतपाल विजन से करवाया है, उन्होंने बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस करवाया है. अगर आप भी जर्मनी जाना चाहते हैं तो आप भी कॉन्टेक्ट कीजिए अमृतपाल विजन. See you soon in the Germany.